नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे घर के अंदर रसोई घर वास्तु अनुरूप कौन सी दिशा में, कौन से पद पर और कौन से जोन पर बनाना चाहिए। आज ये वीडियो देखने के बाद आपका चाहे किसी भी दिशा का प्लॉट हो, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, किसी भी दिशा का प्लॉट हो, रसोई घर की सही जगह आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले मान लीजिए आपका ये प्लॉट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपका प्लॉट है, किसी भी दिशा का हो सकता है। उसके अंदर हम दिशाएं मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मानो आपके इधर ईस्ट है, यानी कि पूर्व दिशा है, जिस तरफ सूर्य देव उदय होते हैं वो दिशा अपनी इधर है। पूर्व दिशा के इस तरफ हमेशा आती है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। ये किसकी दिशा है मित्रों? यमराज की दिशा है। दक्षिण दिशा से इधर चलेंगे तो कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम, यानी कि वेस्ट। ये किसकी दिशा है मित्रों? शनि देव की दिशा है। और इसके बाद जो लास्ट दिशा अपनी आती है वो आती है नॉर्थ, ये आती है उत्तर दिशा। किसकी दिशा है? कुबेर देव की दिशा है। इन दिशा के अलावा जो मुख्य चार दिशाएं और होती है वो आप देख लीजिए। जब आपकी दक्षिण और पूर्व दिशा जिस कॉर्नर के ऊपर मिलती है वो आग्नेय कॉर्नर कहलाता है, या अग्नि कॉर्नर कहलाता है, ठीक है, जिसको हम साउथ ईस्ट कॉर्नर भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? आपकी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा जहां पर मिलती है वो कौन सा कॉर्नर कहलाता है? ईशान कॉर्नर। यहां पर आप देखिए पश्चिम और दक्षिण दिशा मिलती है वो अपना साउथ वेस्ट कॉर्नर, नर्तकीय कॉर्नर कहलाता है, और पश्चिम और उत्तर दिशा मिलती है वो वायव्य कॉर्नर कहलाता है। इतना आपने देख लिया। अब देखिए आपका कोई भी दिशा का प्लॉट आपको करना क्या है, प्लॉट की जो लंबाई है उसको तीन भागों में डिवाइड करना है, एक दो और तीन। ठीक इसी तरह प्लॉट की जो चौड़ाई है उसको भी आपको तीन भागों में डिवाइड करना, एक दो और तीन, ठीक है। ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो हर दिशा का अपना एक जोन आ जाएगा। ये इतना भाग अपना ईशान का आ गया, इतना अपना पूर्व का आ गया, इतना अपना आग्नेय का आ गया, ये अपना दक्षिण का आ गया, ये नर्तकीय पश्चिम वायव्य। तो इस तरह क्या होता है, आपको सही जगह मालूम करने में आसानी रहेगी, बहुत सरल तरीका हो जाएगा, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए ईशान कॉर्नर किसका होता है? देवस्थान होता है, ठीक है, जल तत्व है। तो जल के स्थान पर अगर आप अग्नि यानी कि अपनी रसोई घर बनाते हैं तो क्या होगा, एंटी एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि जल अग्नि को बुझा देता है। तो यहां पर आपको भूलकर रसोई नहीं बनानी है। यहां पर बनी हुई रसोई क्या देती है? बीमारी देती है, रोग आपके स्थायी रूप से रहेंगे घर में, दवाइयां खत्म नहीं होगी और कलह रहेगी घर में और बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहां रसोई नहीं बनानी है। उसके बाद में क्या आती है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा क्या होती है मित्रों? कुबेर देव की दिशा है, धन की दिशा है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है। तो यहां पर अगर रसोई घर होता है तो बहुत ज्यादा गलत होता है। तो नॉर्थ में भी उत्तर दिशा में रसोई नहीं है। उत्तर दिशा के बाद में हम बात करते हैं पूर्व दिशा की, यानी कि सूर्यदेव की दिशा है। तो मित्रों ये जो जोन होता है इसका हाफ जोन, इसको आपको दो भागों में डिवाइड कर लेना है। एक जोन आपके पूर्व के आधा भाग आपका ईशान की तरफ जाएगा और आधा भाग आग्नेय की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये जो इतना जोन रहता है मित्रों, यहां पर आप रसोई घर बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है आग्नेय कॉर्नर। आग्नेय कॉर्नर के नाम से ही आप समझ गए होंगे, अग्नि का स्थान। तो अग्नि के स्थान पर अगर आप रसोई बनाते हैं तो आपके घर में आपके घर की जो लक्ष्मी है, जो आपकी पत्नी है, आपकी माता है, आपकी बेटी, उसका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, वो भी अच्छी उन्नति करेगी, घर में शांति रहेगी। सेकेंड चीज है जो अपना मनी फ्लो होता है, यानी कि कैश का जो फ्लो होता है, आपकी जो पैसों से संबंधित दिक्कत है वो नहीं आती। तो सबसे अच्छा जोन कौन सा है रसोई का? आग्नेय कॉर्नर है। अब काफी लोगों की दिक्कत आती है कि प्रॉपर अग्नि कॉर्नर में ना बना पाए, तो आप हाफ पूर्व दिशा ले सकते हैं। पूरे प्रॉपर पूर्व दिशा में अगर आप किचन लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। और साउथ में भी आपको हाफ लेना है, यानी कि साउथ दिशा का हाफ जोन इधर वाला है, अग्नि के पास वाला, यहां पर आप अपनी रसोई बना सकते हैं। यानी कि तीन भाग आपको सबसे बेस्ट मिल रहे हैं। अब ये जो बीच का भाग आप देख रहे हैं जहां पर दो नंबर लिख रखा है, ये अपना ब्रह्म स्थान है मित्रों, नाभि का स्थान है, आकाश तत्व है। यहां पर भूलकर भी रसोई ना बनाएं, बहुत ही इसके कुप्रभाव देखने को मिलते हैं। आपका जीवन संघर्ष में ही निकल जाएगा अगर आपके ईशान उत्तर में ब्रह्म स्थान में रसोई है। अब आते हैं नर्तकीय। बहुत से लोगों के घर में नर्तकीय कॉर्नर, जब हमारे पास कोई नक्शा चेक करवाने भेजते हैं,
बहुत से घरों में नर्तक्य कॉर्नर के अंदर रसोई होती है और देखने को क्या मिलता है, सास बहू की नहीं बनेगी, घर के अंदर बहुत भयंकर रोग रहेंगे, ठीक है, और नर्वस सिस्टम से संबंधित भी दिक्कत रहेगी। तो यहां पर भूलकर भी अपन को रसोई नहीं बनानी, क्यों नहीं, ये मित्रों भूमि तत्व है। क्या है? भूमि तत्व है। अगर यहां पर आप रसोई बना देते हैं तो ये आपके घर को हीट देगा और आपके घर के अंदर 100% कलर रहेगी। तो यहां पर अपन को रसोई नहीं बनानी है। अब आती है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा वायव्य कॉर्नर। अब देखिए, अगर बाय चांस आपके पास कोई जगह नहीं है, ना यहां बना सके, ना यहां या नहा, तो क्या करेंगे, तो आप वायव्य कॉर्नर में रसोई घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना है, वायव्य हो सके तब तक आपको हाफ ही यूज करना है, क्योंकि वायव्य हाफ के बाद में आपका नॉर्थ स्टार्ट हो जाता है, तो यहां पर रसोई नहीं बनेगी। और पश्चिम दिशा में भी सेम है, ये वरुण देवता का स्थान है। वरुण देवता कौन है? जल के देवता है। तो इसका आप हल्का सा भाग ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने वेस्ट के मध्यम भाग से लेकर अपने साउथ वेस्ट तक रसोई नहीं बनानी है। तो इतने भाग में आप रसोई बना रहे हैं तो चलता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? ये सबसे अच्छा जोन जो है वो यही होगा, यहां पर रसोई बनाएंगे, सबसे अच्छा है। सेकंड ये है। तो बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, वो सवालों के आप एक वीडियो में पूरे में जवाब आज आपको मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा और इस तरह की आप जानकारी के शौकीन हैं, आप चाहते हैं वास्तु का प्रॉपर आपको ज्ञान हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि सब लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो पाए और उनके घर का भी वास्तु ठीक हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।